अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है कि आप सब खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे भाई के यहाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा बेबी आया है, बेबी मूसा। अल्लाह ताला ने उसे बेटे की नेमत से नवाजा है और जैन की बर्थडे भी थी उन्हीं दिनों में, तो इन दोनों को मिला के मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये था 12 जनवरी का दिन, जैन की बर्थडे थी 12 जनवरी को। तो हम लोग जा रहे थे, एज़ यूजल मैं हर बच्चे की हर बर्थडे पे एक पिक बनवाती हूँ एज अ मेमोरी, और केक वगैरह भी लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा जैन ने कहा कि हम केक नहीं काटेंगे, हम खाना खा लेंगे रेस्टोरेंट में ही ना। उसे केक काटने का कोई इतना शौक़ नहीं है, तो बस वो कहता हम नहीं सेलिब्रेट करते केक कटिंग वगैरह। तो सबसे पहले मैं गई जे डॉट पर, मैंने भाभी के लिए यहाँ से एक ड्रेस लिया है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भतीजा भतीजी या कोई भी मतलब बेबी आता है तो फिर जो उसकी मदर होता है, फादर होता है, उनके कपड़े, बेबी के कपड़े, मतलब जो आप चीज़ें देना चाहो तो इस तरह से देते हैं। तो मैं बस वही शॉपिंग भी मैंने करनी थी और साथ में फिर जैन की बर्थडे के लिए फिर हमने उसे गिफ्ट्स वगैरह भी लेके दिए। और बस फिर ये सारा मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग फिर जब बस्ती में आए तो हमने पिक्चर बनवा ली यहाँ से बच्चों की। उसके बाद फिर बाकी हम करेंगे शॉपिंग वगैरह। तो कैसे लग रहे हैं? माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे चारों, और थैंक गॉड कि मैंने खड़े होके पिक्चर बनवा ली, बिल्कुल नहीं खड़े होके पिक्चर बनवाती। तो माशाल्लाह से ये होगी एक मेमोरी मेरे पास। और उसके बाद फिर हम लोग गए रेस्टोरेंट क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था। तो हम लोग मोस्टली क्या नहीं रेस्टोरेंट पे खाना खा लेते हैं, वहाँ का खाना मज़े का होता है, बच्चों को अच्छा लगता है, तो बस हम लोग ज़्यादातर वहीं से खा लेते हैं। बस अब हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट। यहाँ पे जैसे ही मेन्यू कार्ड होता है तो एमन को भी चाहिए होता है, वो ऊपर ना ऐसे जैसे पढ़ती है भाई, ये ए बी सी इस तरह से उसे समझ आती है, तो वो इस तरह से पढ़ती रहती है। अब देखिए, वो उसे पहले मेन्यू कार्ड चाहिए था। मांग रही है जैन से दूसरा वाला भी। और यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया था अपना, अब हम लोग वेट कर रहे थे। बच्चे माशाल्लाह से बहुत एक्साइटेड थे उस दिन, हम लोग काफ़ी हमने एंजॉय किया। तो ये बस हमने ऑर्डर किया था चिकन बिरयानी और साथ में बीफ चपली कबाब थे, और ये चपली कबाब का टेस्ट इतना मज़े का था। हम लोग ज़्यादा चिकन करते थे, इस टाइम उनके पास चिकन ख़त्म हो गया था, लेकिन बीफ का किया, बड़े मज़े का था। और ये यहाँ से मैंने बेबी मूसा के लिए ड्रेसेस लिए थे, ये भाई ड्रेसेस को पैक कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम ऐसे ही वॉक करते करते बाकी शॉप्स पे गए, और उस दिन ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। एमन अपने बाबा के पास गाड़ी में थी और हम लोग बाकी चारों मिलके शॉपिंग कर रहे थे। तो मैंने बेबी मूसा के लिए एक गोल्ड की रिंग भी ली है। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब पहला बेबी होता है तो पप्पो जो होती है ना, वो गोल्ड पहनाती है, कुछ भी चाहे रिंग हो, मोस्टली तो रिंग ही पहनाई जाती है। तो फिर मैंने उसके लिए रिंग भी ले ली थी, और बाकी सारी शॉपिंग वो मैं आपको इसी ब्लॉग के एंड में दिखाऊंगी। तो ये नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद, और ये पाकिस्तान गेट है। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ उसकी मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका डिज़ाइन वगैरह जो बना हुआ है। तो बस ये अब हम लोग पहुँच गए हम लोगों के घर। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे मूसा को देखने के लिए, न्यू बेबी है तो वैसे ही बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और ये मेरे बहन भाई ने रूम को डेकोरेट कर लिया था बेबी के वेलकम के लिए, तो बड़ी उन्होंने मेहनत की थी, पूरा दिन दोनों लगे रहे और इस तरह से इसको डेकोरेट कर लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और ये सारे गिफ्ट्स हैं जो मैं लेके गई थी, इसके टॉयज थे, इसके अलावा ड्रेसेस थे, और ये वाला भी था उन्होंने हैंग कर दिया था,
और साथ में उसके बेबी मूसा के मदर फादर के लिए ड्रेसेस थे, और ये गोल्ड की रिंग जो मैं आपको बता रही थी, ये वो रिंग है उसकी उंगली में फिर पहनाई थी हमने। उसका क्लिप लेना मैं भूल गई, तो ये बस कुछ गिफ्ट्स जो मैं लेके आई। हमारे सब इस तरह से गिफ्ट्स लेके जाते हैं न्यू बेबी के लिए। और ये अब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, पहले हम लोग घर के वहाँ सामान वगैरह रखा, उसके बाद फिर मेरी बहन भी घर पे थी तो उसको लेके हम लोग हॉस्पिटल गया बेबी के पास। और बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे, जल्दी चलें बेबी को देखने, और अब ये देखें उनकी खुशी, तो बस उठा के बैठे रहे मूसा को। अभी आप एमन के एक्साइटमेंट चेक कीजिएगा, कहीं भी बच्चे नजर लग रहे नहीं, ये नहीं कुछ फातिमा पीछे हो जाओ ना। मप्पी करो तो बस फिर हम लोग 2 दिन वहाँ पे रहे, फिर वापस आ गए क्योंकि उड़ीसा के एग्जाम्स थे। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और बेबी मूसे के लिए बहुत सारी दुआएं कर दीजिएगा। अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।